साहब का परिचय खुद उनकी वादन शैली है। सितार से अलग विलायत खान साहब से अलग सितार, दोनों कुछ अधूरे महसूस होते हैं। फादर की जब डेथ हो गई तो मैं मेरे पिताजी के शागिर्द वीरेंद्र किशोर राय चौधरी महाराज गौरीपुर, उनके पास मैं तालीम लेने जाया करता था। एक दिन का वाकया है कि वो बैठे हुए थे, मैं पहुंचा और मैं पहुंचकर उनसे एकदम से कहने लगा कि महाराज वो छाया नट कैसे है। तो पता नहीं किस मूड में बैठे हुए होंगे, तो एकदम से वो बोले, ठहर जाओ, बात सीखने आए हो, हैं शागिर्द बनो, खिदमत करो, एतात करो, दौड़ा भागी करो और बहुत आना जाना करो, इंतजार करो, सीखने को मिलेगा। एकदम से ऐसे ही सीखने को थोड़ी मिल जाती है कोई चीज। हमने बहुत रुपया खर्चा किया है, हमने बहुत खिदमत की है हमारे उस्ताद की, हमने ना जाने कितने कितने दिनों राजा का बेटा होकर राजा होकर पैर दबाए हैं हमारे गुरु के, तुम्हारे पिता के, फिर हमें चीज मिलेगी। एक मिनट में आए, ऑर्डर लगा दिया कि हमें फला। ये चीज सुन के मेरे दिल में इतना दुख हो गया कि मैं चुप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे तालीम तो करी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया कुछ। गरज ये कि मेरे दिल में बहुत चोट लग गई और मैं घर वापस आया। आकर मैंने ये ठान ली कि मैं कलकत्ते से भाग जाऊं। 1939 का वाक्य है। मैं चंद दिनों में कुछ भी किया घर से भाग निकला। थोड़े से पैसे जेब में थे, सितार शतरंजी तकिया एक जोड़ा लेके बैठ गए, प्लेटफॉर्म का टिकट ले लिया, ट्रेन में ना जाने बैठ गए। रात के 2-3 बजे के करीब कोई टिकट चेकर आया, उसने देखा टिकट नहीं है, उसने मारपीट के उतार दिया। वो भी मुझे नहीं मालूम कौन सा स्टेशन था। फिर कोई ट्रेन आ गई, उस पर फिर चढ़ गए, फिर इसी तरीके का वाकया हुआ। फिर उसने गरज यह है कि मैं 5 या 6 दिन में वो गाड़ी कहीं जाके रुकती होगी, वहां रुकी, वो दिल्ली था। पुरानी दिल्ली के स्टेशन से निकल के जमुना के किनारे होते हुए लंबे निकल गए और वहां एक जगह जाके देखा, ऑल इंडिया रेडियो का वो लगा हुआ। अब हम जब घुसने गए तो वो काबली वाले ने, पठान ने, भागो यहां से, किधर जा रहे हो तुम अंदर। हम फिर रुक गए,
वो जरा इधर उधर को झुकया तो मैं अंदर चला गया। लेकिन ये सब जो कहते हैं कि जब किस्मत का खेल होता है तो कैसा होता है, कहां से कहां क्या क्या बन जाता है वाक्य। मैं वहां खड़ा ही था कि मेरे वाले साहब के शागिर्द जफर साहब स्टेशन में वहां बहुत ऊंची कोई पोस्ट पे थे रेडियो स्टेशन, उन्होंने मुझे गौर से देखा, कह लगे क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने कहा साहब विलायत खान। तो उन्होंने कहा अरे तुम, अरे मेरे उस्ताद का बेटा, बोल के मुझे लिपट गए। कह लगे यहां तुम कैसे आए। तो मैंने कहा साहब मैं तो यहां आ गया हूं और बस मैं फिर रहा हूं ऐसे। सितार बजा लेते हो तुम? जी। उसके बाद उन्होंने कहा तुम यहीं ठहरना, जाना मत कहीं। वो मुझे अंदर बुखारी साहब के पास ले गए, बुखारी साहब मुझे लिपट गए। अरे मेरे भाई का बेटा, तू यहां कहां आ गया, कैसे आया।